आज कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 32वीं बैठक हुई, जिसमें प्रगतिशील किसान व कुछ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर बलवान सिंह ने बताया कि हमें अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को खेती व बागवानी की सलाह देनी है और क्या हम किसानों को अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करना है। इस पर विस्तार से चर्चा हुई, आइए सुनाते हैं। इस मौके पर डॉक्टर बलवान सिंह ने क्या जानकारी दी। मैं हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर बलवान सिंह मंडल आपके बीच में आया हूं। आज हमारी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित ये 32वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हमने बैठक की है। इसमें हम प्रति वर्ष हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो कर्मठ वैज्ञानिक हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा साल में, उनकी सारी गतिविधि हम हमारे ज़िले के अग्रणीय किसानों के साथ साथ जो ज़िले के हमारे अधिकारी हैं उनके बीच में सलाह मशवरा करके उन पर मंथन करते हैं कि हमारा ये कार्य प्रणाली थी और उसके साथ साथ आने वाले साल में हमने क्या करना है किसान के लिए, छोटे काश्तकार मजदूर के लिए, बिजनेसमैन के लिए। हम सभी किसानों से आग्रह करते हैं कि हर वैज्ञानिक आपके साथ है और आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप अनदाता हो और अनदाता के साथ साथ आप इन्वायरमेंट के एक बहुत बड़े एजेंट हो जो सभी के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देते हो। उस प्रकार हम मंथन करके हर वैज्ञानिक की हम प्रेजेंटेशन उनकी सभी किसान साथियों के बीच में क्या कार्यशाली रहेगी उनके अगले साल उसका मंथन करके और फिर किसान के और हमारे ज़िले के अधिकारियों के बीच में मंथन करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने किसान की भलाई के लिए और एक मानव चौड़े को अच्छे से निभाने के लिए इस खेती को कैसे काम करना है, उसको कैसे बहुमंजिला बनाना है ताकि हमारा कैथल ज़िले का किसान कैसे जो ना आगे बढ़े। आगे बढ़ने के तरीके पहले हम सोचते थे कि पैदावार बढ़ानी है, आज वैज्ञानिकों की सलाह से किसान ने पैदावार बढ़ाई है पर कुछ साथ साथ उन्होंने किसान ने एक अंधाधुंध दवाई का, कीटनाशक का कि और खादों का प्रयोग करके अपनी सेहत को नुकसान किया है, मिट्टी को नुकसान किया है, पानी को नुकसान किया है और उसके कारण हमारे ग्रामीण इलाके में कुछ ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि जिससे किसान की खेत की कमाई का काफ़ी हिस्सा उस बीमारी के इलाज में लगता है। तो हम इस मीटिंग में ये भी मंथन करते हैं कि कैसे किसान को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती कैसे करनी है, उसको जो है ना प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कैसे करनी है, उसको पैरी अर्बन एग्रीकल्चर में कैसे अपने प्रोड्यूस को किसान के प्रोड्यूस को आम मार्केट में कैसे लेके जाना है। ये किसान के लिए बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं कि जो चाहे वो सब्जी के माध्यम से, चाहे वो फलों के माध्यम से, चाहे वो मधुमक्खी पालन के माध्यम से, चाहे खुम्ब उत्पादन के माध्यम से, चाहे वो नर्सरी में उगाए हुए पौधों के माध्यम से कैसे एक आम किसान के लिए सुख का एक भागी बने और अल्टीमेटली जो ना अच्छी पैदावार लेके वो अच्छे अच्छे पैसे कमाकर वो खुद भी अच्छे पैसे कमाए और जो प्रोड्यूस जो उत्पाद उससे लेके शहर में रहने वाला मेरा साथी खाता है वो जो ना जहर मुक्त हो और वो अच्छे प्रोड्यूस लेके वो भी जहर मुक्त प्रोड्यूस को खाए। और ये एक ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हम हर कृषि विज्ञान केंद्र में इन बैठकों के जरिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की क्या गतिविधि है, कैसी होनी चाहिए, क्या ग्लोबली जो है ना अंतरदेशीय राज्यों पर क्या कारोबार चल रहा है, खेती को कैसे बहुमंजिला करें, इस प्रकार का प्रयास हमारा रहता है इन मीटिंगों में। और हम ताकि जो है ना किसान के लिए कहें कि आप अन्नदाता हो और सर्वश्रेष्ठ जो रोजगार है वो खेती। हमने अभी इस सलाहकार समिति में इस पे मंथन किया है, हमारे संज्ञान में आया है कि कैथल जिले में जीरी लगाने से पहले किसान जो है ना ड्रिल के माध्यम से 2 कट्टे यूरिया भी डालता है। हमने इस पर मंथन किया और वैज्ञानिकों को सलाह दी है कि हमारे यहाँ एक डेमोस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से किसानों को हम बताएंगे कि जो यूनिवर्सिटी की सिफारिश के अलावा आप अपने आप जो कार्य करते हो वो जो है ना आपके लिए नुकसान तो है ही, साथ ही साथ जो है ना वो मिट्टी की संरचना में भी बाधक है। तो इस पर हमने मंथन करके ये हमारे ज़िले के उच्च अधिकारियों के बीच में हम ये सलाह की है कि हम किसान को कैसे समझाएं कि वो ज़्यादा अंधाधुंध दवाई का इस्तेमाल ना करे, खाद का इस्तेमाल ना करे
और वो उसका बेकार का फजूल खर्चा कैसे बचे, इसमें हम वैज्ञानिक सलाहकार समिति के माध्यम से हमने ये निर्णय लिया है कि इसको हमने रोकना है। और कैथल जिले में हम इस पर पूरा, चाहे वो DSR सीधी बिजाई कैसे करें इसकी जीरी की, कैसे हम नेचुरल फार्मिंग पर जाए, कैसे हमने जो है ना पानी का ज़्यादा दोहन रोकने के लिए क्या करना है, इस पर पूरा मंथन करते हैं। और साथ में उसकी ट्रायल लगा के जो है ना, चाहे वो ऑन फार्म ट्रायल है, FLD का है, उसके माध्यम से किसानों के ग्रुप को हम पूरा समझाते हैं कि आपने ये ऐसा नहीं करना। जो किसान आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या सलाह दोगे वर्तमान में कि मतलब कितनी क्वांटिटी यूरिया डालने का पैसे? देखिए, इसमें मेरा किसानों से यही है कि पहला तो मेरा निवेदन यही है कि किसान जो है ना गेहूं जीरी फसल चक्कर से हट के अगर कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा सीवन ब्लॉक में सब्जी का और फ्रूट्स का काफ़ी स्कोप है। हम इस साल जो है ना ईयर ऑफ द मिलेट्स जो है ना, हमारा जो सिरी अन्न के ऊपर हमारा फोकस है। किसानों से मेरी यही आग्रह है कि अगर आप जीरी लगाते हो तो जो हमारी समग्र सिफारिशें हैं फसलों की, उसके अनुसार ही कृषि विज्ञान केंद्र में आकर उनसे सलाह लेकर आप समय समय पर उस पद्धति के अनुसार ही खाद का, दवाई का इस्तेमाल करें। हमने अभी निर्णय लिया कि खाद का जो है ना हम एक चार्ट देंगे कि चार्ट से पत्ते का तालमेल करके अगर उसी के हिसाब से आपने खाद डालना है। दवाई आपने तभी डालनी है अगर आपकी फसल में कोई बीमारी है, तो आप जो है ना हमारा व्हाट्सएप माध्यम के जरिए भी आप फोटो भेज के वैज्ञानिक से सलाह करके तभी दवाई डालें। आप अपने लेवल पर अंधाधुंध दवाई ना डालें। अगर आप किसी बाजार में जाके दवाईदार विक्रेता के पास जाओगे, दुकानदार अपने नॉलेज के हिसाब से आपको कोई दवाई देगा और वो नहीं जानता कि उसमें आप में फसल में बीमारी क्या है। तो हमने आप किसान साथियों को, जो जो भी किसान साथी मेरी बात को सुन रहा है, मेरी सबसे आज जोड़कर ये विनती है कि आपके जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आपका आगमन जो है ना वैज्ञानिक के लिए बड़ा बड़ा जो है सराहनीय। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हमारे वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके जो भी हमारे वैज्ञानिक आपको सलाह देंगे उसी अनुसार आप खेत में प्रक्रिया करिए, चाहे वो खाद की है, चाहे वो दवाई की है, चाहे वो फसल की किस्म की है, चाहे वो पेड़ की प्रजाति की है, उसी के अनुसार आप जो है इनकी सलाह मशवरा में अगर काम करोगे तो तभी आपकी खेती जो है ना फायदा नुमा रहेगी। नहीं तो वरना आप हमेशा ये कहते हो कि खेती फायदा नुमा नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार चलिए और आप इस अपने खेत को जो है ना एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मान के नचकार के काम करिए। और जो आपका प्रोड्यूस है, जो आपकी पैदावार है, उसको जो भी खाएगा उसमें कम से कम जहर हो, क्योंकि आप ही अन्नदाता हो। आपका प्रोड्यूस जहाँ तक जाएगा तो वो अच्छा होना चाहिए और वो वैज्ञानिकों की देखरेख।